हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की फिफ्थ स्टैंडर्ड की आईटी मैट्रिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर की जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टू कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में बताया था। फर्स्ट थी अबेकस एंड सेकंड थी नेपियर बॉन। आज जो हम कैलकुलेटिंग डिवाइस आपको समझाएंगे वो है पास्कलाइन। क्या होती है पास्कलाइन कैलकुलेटिंग डिवाइस और इसका काम क्या होता है, तो देखिए समझ लेते हैं। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रेंच के बहुत फेमस गणितज्ञ हुए हैं ब्लेज पास्कल, जिनका नेम था ब्लेज पास्कल, इन्वेंटेड पास्कलाइन। उन्होंने इन्वेंट किया था पास्कलाइन को, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाई गई थी मशीन, इसके द्वारा मैकेनिकल कैलकुलेशन की जाती थी इन द ईयर 1641। और ये जो इन्वेंट हुआ वो हुआ 1641 में। इट लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखता था विद मूवेबल व्हील्स, जिसमें व्हील्स लगे हुए थे, पहिए दिखने में वो पहिए लगते थे और वे मूवेबल थे, उन्हें घुमाया जा सकता था। आप इस पिक्चर से जो फिगर 1.3 पास्कलाइन की फिगर है आपकी बुक में, उसमें देख सकते हैं कि ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इस बॉक्स में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ व्हील्स बने हुए हैं। ये देखिए व्हील्स बने हुए हैं, इन व्हील्स को मूविंग का सिस्टम होता है, इनसे मूव करके हम इनमें नंबर्स को चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आगे बताया है, दीज व्हील्स वर रोटेटेड, ये व्हील्स रोटेट किए जाते थे टू डिस्प्ले नंबर्स, नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए। दिस डिवाइस वॉज ऑल्सो यूज, इस डिवाइस का यूज़ भी किया जाता था। किस काम के लिए किया जाता था, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, सब्सट्रैक्ट घटाने के लिए, मल्टीप्लाई गुना करने के लिए, एंड डिवाइड और भाग करने के लिए किया जाता था। तो इसका यूज़ भी बिल्कुल अबेकस और नेपियर बॉन की तरह ही था, बट इसमें एक अलग से कुछ लिमिटेशन भी हैं कि अप टू 100 and 1000s। ये जो डिवाइस है ये सब्सट्रैक्ट ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करेगी वो 100 और 1000 तक के ही नंबर्स तक करेगी, इससे आगे नहीं करेगी। तो इसमें एक लिमिटेशन लगा दी थी कि इसमें 100 से 1000 तक की कैलकुलेशन हो सकती है। तो पास्कलाइन के बारे में आप जान गए होंगे। थोड़ा सा समरी बता देती हूँ मैं आपको कि फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने इसका इन्वेंट किया था, ये सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर था और 1641 में इसका इन्वेंशन हुआ था। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में की तरह दिखता था और इसमें व्हील्स लगे हुए थे, वो व्हील्स को रोटेट करने से नंबर डिस्प्ले होते थे और उनसे हम कोई भी कैलकुलेशन अप टू 100 and 1000 तक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस सीखते हैं, समझते हैं लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर के जो डिवाइस है उसका क्या यूज़ है उसे भी जान लेते हैं। लेबनिज कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन। लेबनिज कैलकुलेटर को जो इन्वेंट किया था वो थे जर्मन के मैथमेटिशियन, जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नेम था गॉटफ्राइड लेबनिज, जिनका नेम था गॉटफ्राइड लेबनिज इन द ईयर 1671। और ये इन्वेंशन कब हुआ था, ये किया था 1671 में। दिस मैकेनिकल कैलकुलेटर कुड डू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट। इस मैकेनिकल कैलकुलेटर से हम एडिशन कर सकते थे, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन सभी कुछ कर सकते थे, बट एक नई चीज़ और इसमें कैलकुलेट हो सकती थी, वो थी स्क्वायर रूट्स। हम किसी भी एक डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। तो ये इसमें एक नई खोज थी, इसमें स्क्वायर रूट को ऐड किया गया। ये देखिए यहाँ पे फिगर 1.4 में कैलकुलेटर को दिखाया गया, लेबनिज कैलकुलेटर किस तरह के लुक का हुआ करता था वो यहाँ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एक हैंडल बना हुआ है जो मूविंग के लिए होता है और इधर भी एक हैंडल बना हुआ है, इसे भी मूविंग करके यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, अब समझते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या था, डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। जो डिफरेंस इंजन था वो इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये एक ब्रिटिश के गणितज्ञ थे इन द ईयर 1822 के ईयर में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। दिस डिवाइस वॉज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग एरर फ्री मैथमेटिकल टेबल्स। और ये डिवाइस
अपने अंदर एक कैपेबिलिटी रखती थी कि ये मैथमेटिकल टेबल्स, जितनी भी मैथमेटिकल सारणियाँ बनती थी, उन सबको के बिना एरर के, बिना एरर फ्री, यानी कि बिना किसी त्रुटि के उसको तैयार करती थी। तो ये इसकी खास बात थी। सो यहाँ हमारी थ्री डिवाइसेस, जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, हमने सीखी पास्कलाइन, ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था जिन्हें, लेबनिस जिसे गॉटफ्राइड लेबनिस ने इन्वेंट किया था, एंड डिफरेंस इंजन जिन्हें चार्ल्स बेबेज ने कैलकुलेट किया था, ये हमने सीख ली हैं। अभी कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस रह गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेटिंग डिवाइस का टॉपिक पूरा कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।